आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट आइसक्रीम, वो भी सिर्फ चार चीज़ों से। यहाँ पर मैंने स्वीट एंड कंडेंस मिल्क लिया है, इसलिए हम यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। ये है डेसिकेटेड कोकोनट। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीस लूँगी। हमें अपना कोकोनट कुछ इस टेक्सचर में चाहिए क्योंकि यही हमारी आइसक्रीम का मेन फ्लेवर है। ये चॉकलेट चिप कोकोनट बिस्किट्स हैं, इन्हें भी हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। मैंने बिस्किट्स कोकोनट फ्लेवर में इसलिए लिए हैं क्योंकि ये हमारी आइसक्रीम को एक अच्छा फ्लेवर देंगे। सबसे पहले हम अमूल फ्रेश क्रीम लेंगे। और अब हम इसको बीट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ही हो, आप सिंपल विस्क से भी कर सकते हैं और उससे भी अच्छी आइसक्रीम बनती है। मैं बस आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी क्रीम को यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही बीट किया हुआ है और देखना उसके बाद भी मेरी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनेगी। हमें अपनी आइसक्रीम बहुत मीठी नहीं बनानी है, इसलिए हम आधा कंडेंस मिल्क ही यूज़ करेंगे। ये 400 ग्राम्स का डब्बा है तो हम इसमें से 200 ग्राम्स निकाल लेंगे। बस अब हमारा आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। अब हमें जिस फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है हमें यहीं पे ऐड करना है। जैसे अभी मैं जो बना रही हूँ ये है कोकोनट आइसक्रीम, तो अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना कोकोनट। आपको जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है आप इस पॉइंट पे वो फ्लेवर ऐड कर सकते हो। ये देखिए हमारा कोकोनट अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब हम यहाँ पर अपने बिस्किट्स को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. अब हम इसको 8 घंटे के लिए फ्रिजर में रख देंगे। यहाँ पर आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये डार्क चॉकलेट पड़ी थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। एग्जैक्ट 8 घंटा हुआ है तो चलो देखते हैं कि ये कैसी जमी है। आइसक्रीम को निकालने के लिए आप जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो उसे आप पहले गर्म पानी में डिप करना और उसके बाद उससे आइसक्रीम निकालना। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत ईजिली निकल आती है। ये सब ऑप्शनल है, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचना है इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आप सिंपल जो आइसक्रीम बनी है ना उसको वैसे भी खा सकते हो।